यदि आप CSE के लिए अप्लाई किए हैं और आपका CSE ID अप्रूव हो चुका है, उसके बाद भी यदि आपके डीजी पे काम नहीं कर रहा है, कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आ रहा है जब आप लॉगिन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसको फिक्स करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डीजी पे को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपना CSE ID डालेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन दिखेगा लॉगिन करने के लिए। फर्स्ट नंबर पे है गेट OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे OTP जाएगा। सेकंड नंबर पे है जो आपका ईमेल है उस पे OTP जाएगा, और थर्ड नंबर पे है गेट OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल, मतलब दोनों पे जाएगा। अपने मुताबिक इसे एक को सिलेक्ट करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आखिरकार इसको हम कैसे सही करा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, CSE ID जनरेट होने के बाद आपके एरिया के जो DM होंगे वो आपके शॉप पे आएंगे, आपके दुकान पे आएंगे, और आने के बाद में आपका सेंटर को वेरीफाई करेंगे, तभी जाकर आपका DGPay स्टार्ट होगा, वरना आपका DGPay चालू नहीं होगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको चालू करवाने के लिए सबसे पहले अपने एरिया के DM से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, तभी जाकर आपका CSE का जो DGPay होता है वह चालू होगा, वरना आपका DGPay चालू नहीं होगा। इस तरीके से आप लॉग इन करिएगा तो कभी भी आपका चालू नहीं होगा। आपके एरिया का जो DM होंगे उनका नंबर आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आप फाइंड करिए। इसके लिए सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा ऐप में लॉगिन कर लेना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नीचे एक आपको माय प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा उस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे भी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट से सेकंड DM इन्फो, इस पे क्लिक करेंगे। आपके एरिया में जितना भी DM होंगे उनका नाम नंबर विथ ईमेल के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इसी नंबर से इन्हीं नंबर पे किसी पे कॉल करके आपको बात करना होगा, तब जाकर वहां से एक DM आएंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, और आपको सेंटर का जो है वेरीफाई करेंगे, और जब आपका सेंटर वेरीफाई हो जाएगा तो आपका DGPay चालू हो जाएगा। यदि आप CSE ID लेकर केवल रहिएगा तो आपका DGPay कभी भी चालू नहीं होगा। सबसे पहले आपको वेरीफाई कराना ही होगा अपने शॉप को, तभी जाकर आपका DGPay स्टार्ट होगा। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी CSE सेंटर है, इसीलिए हमको इसके बारे में पता है कैसे क्या होता है। यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और CSE के सभी जानकारी के लिए, सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।